आज 31 दिसंबर 2019 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये नेट दिसंबर 2019 का रिजल्ट है जिसका फॉर्म जून जुलाई में वगैरह में आता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ माई डेली बाइट्स मेंबर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है। लेकिन इसमें मैं कुछ भी समझाऊं, मैं रिजल्ट के बारे में बताऊं या फिर एमए हिस्ट्री में क्या करना है या नेट जेआरएफ का रिजल्ट कैसे आता है, आप सब ने ये वीडियो देख रखा होगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन आज ये वीडियो बनाते समय मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम मैं अपना वीडियो किसी बच्चे को डेडिकेट करता हूँ, वन ऑफ माय पेड मेंबर मयंक शुक्ला। शुक्ला जी ने हमारी मेंबरशिप ली थी कुछ टाइम पहले। आप देखिए बच्चे के साथ, देखिए बच्चे ने क्या कमाल किया है। इनका अभी तक एमए का इन्होंने अभी एक भी पेपर नहीं दिया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है अभी इग्नू में, ठीक है? तो ये जुलाई 2019 में एडमिशन लिए, तो इनका पेपर होगा जुलाई 2020 में। इन्होंने नेट ही नहीं, इन्होंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, और ये देखिए बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, लगभग 62 नंबर कट ऑफ गया है, इनके नेट टोटल बन रहे हैं 66 मार्क्स, और तो और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ये। देखिए इनका मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, बाकी के और भी मेंबर्स हैं जो हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ नहीं है बेसिकली वो, शिखा, खुशबू और एक लड़का और जिनका नाम मयंक और एक मोनू यादव, ये चार लोग हैं हमारे और जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इस बच्चे का मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये बच्चा अभी अपना एग्जाम देगा जुलाई 2020 में, एमए फर्स्ट ईयर का। अब उसके बाद ये एग्जाम देगा जुलाई 2021 में, तब इसका एमए कंप्लीट होगा। और देखिए बच्चे ने जेआरएफ निकाल लिया है। जेआरएफ कैसे निकाला है हम इस पर चर्चा करेंगे, और नेट कैसे निकाला है। देखिए मैं अपने पहले के वीडियोस में भी ये बात आपको समझा चुका हूं कि हिस्ट्री पास, हिस्ट्री से नेट पास करने का, जेआरएफ निकालने का सिंपल सा फंडा है, तरीका है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ाई करिए। अब ये लाइन बहुत बड़ी है अपने दिमाग में, इस लाइन को आप लिखिए कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ाई कैसे करना है। अब होता क्या है, बच्चों ने क्या कर रखा है कि उपेंद्र सिंह, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम और तमाम जितना है, रोमिला थापर, एल भाषम, सब पढ़ लिया है, लेकिन उनसे नेट नहीं निकल रहा है। जेआरएफ बहुत बड़ी चीज हो गई उनके आगे। रीजन क्या है उसका? रीजन सिंपल सा ये है कि उन्होंने क्या कर रखा है, इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा है। किताब को, कोई किताब सीधे सीधे लिखी हो कहानी के फॉर्म में, नॉवेल की तरह, जैसे फिक्शन वाले नॉवल होते हैं, नॉन फिक्शन वाले नॉवल होते हैं, जैसे आप एक बार पढ़ते हैं तो उसको आप किताब को चार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन सडनली मैं बीच में से कोई एक लाइन उठा के क्वेश्चन बना दूं ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, तो आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। इस बच्चे ने जब मेंबरशिप ली, इसको पहले दिन मैंने यही सजेस्ट किया कि बेटा तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखने की जरूरत नहीं है, दो तीन मैं बुक्स बता रहा हूं। और आपको बताऊं, इस बच्चे से मेरी बहुत कम बातें होती है मेंबरशिप लेने के बाद। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना ज्यादा मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि सर मेरे को बात करनी है, मेरे को बात करनी है प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि 90% कैंडिडेट्स क्या कर रखा है, मेंबरशिप ले लेते हैं, वो बात करने आते नहीं है, और फ्रेंकली सेइंग आप बात करने नहीं आओगे तो मुझे कोई शौक नहीं कि मैं घंटे भर आपके साथ फोन पे दिमाग चटवाऊं या फिर बताऊं कि कैसे पढ़ना है। फ्रेंकली सेइंग, आई एम सॉरी टू यूज द लेमैन लैंग्वेज, लेकिन ये ट्रूथ है। अगर आप मेरे पास खुद नहीं आओगे, आप बड़े हो चुके हो, आप दिल्ली में कोचिंग कर रहे हो, मुखर्जी नगर जैसे एरियाज में जाके बच्चे रह रहे हैं, 15-15, 20-20 हजार फ्लैट का किराया है, 20-25 हजार रुपए कोचिंग की फीस है, 4-4 महीने कोचिंग चल रहे हैं, तो इतना वो कोचिंग का फीस दे रहे हैं, उसके बाद भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। रीजन क्या होता है, आप जब कोचिंग में भी जाते हैं तो कोचिंग वाला क्या करेगा, कोचिंग वाला आपको लंबा चौड़ा जो है नोट्स लिखवा देंगे, सर लोग डिक्टेट करते हैं, आप कॉपी भरते जाएंगे, रजिस्टर भरते जाएंगे, अंत प्रिपेयर आप ही को करना है। मैं जिन दो तीन किताबों का अपने इस वीडियो में रिकमेंडेशन दे रखा हूं, जो आपको बताया है कि हिस्ट्री किस तरह ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव मोड में करना है, उस तरीके से करिए। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मेरा सिंपल सा मतलब ऐसा है कि मान लीजिए किताब है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए जो आपको रटना पड़ेगा, एक किताब, दो किताब, और पता है बहुत सिंपल और ल्यूसिड लिखे हुए हैं बुक्स, पता नहीं इसमें इतना क्या प्रॉब्लम है रटने का। अब देखिए इस बच्चे ने जेआरएफ निकाल लिया, द मोमेंट ये एमए कंप्लीट करेगा, द मोमेंट ये कंप्लीट करेगा, इनके 30-40,000 रुपीज जो भी रहेगा, और जैसा अगर जेएनयू वगैरह में, देखिए ये बहुत इजीली हमारे पेड मेंबर हैं तो इनको मैं इतना बता दूंगा कि जेएनयू वगैरह का पीएचडी कैसे निकलेगा, 200-250 रुपए में आप दिल्ली में रह पाएंगे, और इनको जेएनयू की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है, आप पीएचडी करते हैं तो वो तो अच्छा खासा इनको 50-60 हजार रुपए इनके मंथली बन जाएंगे, स्टाइपेंड सोच लीजिए पढ़ने के साथ साथ। तो यहां आप एक चीज देखेंगे कि
ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बच्चा ने कितने आसानी से कर लिया। और होपफुली जब ये भी मैं इनको बोल दूंगा, ये कमेंट करेंगे आप, मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, ऐसा ना लगे कि आपको मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, बच्चे ने किया है। और भी बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने सिर्फ नेट निकाला है, उनका मैंने डिटेलेशन नहीं शेयर किया है। रीजन जैसे मान लीजिए वो एमए कर लिए हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद या 4 बार 5 बार से नेट का पेपर दे रहे हैं, तब जाके उनका निकला है। दिस गाय फॉलोड द एग्जैक्टली द लाइन बाय लाइन स्ट्रेटेजी जो कुछ भी मैंने इनको बोला था, और इन्होंने इसको जो है क्वालिफाई कर लिया। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक चीज मैं इसमें बता दूं, जब मेंबरशिप दी गई थी तो बीच में ना जैसे ही 11 या 12 बच्चों का मेरा टारगेट था, जैसे ही 11 12 बच्चे हुए थे, सबसे कम मेरी जो मेंबरशिप दी गई है वो नेट जेआरएफ की ही दी गई थी, बाकी का बीएड और एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स वगैरह ये तो बहुत ज्यादा है, इनका तो आप लिस्ट छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें सिर्फ 11-12 लोगों को मेंबरशिप दी गई थी, उसका रीजन ये, उसके बाद मेंबरशिप बंद कर दी गई थी क्योंकि उससे ज्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकता था और मेरे बस का नहीं था। तो इस वीडियो में जो प्राइस बताई गई है 401 रुपीज है। एज यूजुअल जैसे ही आप नेट मेंबरशिप के लिए मैसेज कर रहे हैं, मैम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दे रही होंगी कि नेट के मेंबरशिप का प्राइस 401 रुपीज नहीं, 651 रुपीज है, क्योंकि इसमें मुझे आपके साथ बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है। हार्डवर्क इन अ सेंस, जैसे मयंक, देखिए मयंक ने बहुत ज्यादा मदद नहीं दिया था, इसने 2 ही 3 बार वॉइस कॉल पर बात किया, बट इस बच्चे ने बात पे क्रक्स को पकड़ लिया था कि करना क्या है। आप कोई मेंबरशिप लेता तो बेसिकली मैं टाइम दूंगा, आप मेरे पास आएंगे, मैं समझाऊंगा, बात करूंगा। बहुत से ऐसे ही पेड मेंबर हैं जिन्होंने पैसा दे दिया, जो कभी बात करने नहीं आए ठीक से, उनको लगा नहीं कि स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, ठीक है, उनके पास अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं जो उसको ज्यादा हाई प्रायोरिटी देते हैं। तो ये आपके ऊपर, आप कैसे मैनेज करते हैं। आपको लगता है कि आप 25,000 दे के कोचिंग में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और जिसमें आपका रहने का खाने का अलग अलग जगह, उसके बाद भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा कोई गारंटी नहीं है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं स्ट्रेटेजीज बता सकता हूं कैसे आपको करना है। एट द एंड ऑफ द डे करना आपको 651 रुपीज का आपको पेमेंट करना होगा, और तुरंत मैं नेट जेआरएफ की मेंबरशिप नहीं दे रहा हूं, मैं मेरे पास टाइम नहीं है। आप 651 रुपीज का पेमेंट करते हैं, आप मैम को जो है डीबी नेट लिख के, ये वीडियो देख के ही मैसेज करिएगा, आप डीबी नेट ठीक है लिख के मैम को आप मैसेज कर दीजिएगा, डीबी नेट 651 ठीक है, आप डीबी नेट 651 लिख के मैम को आप मैसेज कर देंगे, तो उसके बाद मैम आपको बता देंगे कि मैं कब अवेलेबल रहूंगा, उसके बाद ही मैं आपसे तब मैं बात कर पाऊंगा जब भी मेरे पास टाइम रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। जो भी एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो डेली बैट्स पर अपना असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। असाइनमेंट परचेज करने के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर पर चैनल के आपको कॉन्टैक्ट करना है। आप डेली बैट्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब डेली बैट्स, थैंक यू, डू कॉमेंट योर व्यूज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।